हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैजिकल हैंड में आपका स्वागत है। मैं नेहा आज आपको टीवी का रिमोट कवर कैसे बनाना है वो सिखाने वाली हूँ। तो उसको बनाने के लिए ये देखिए, रिमोट कवर बनाने से ये क्या है कि उसको धूल मिट्टी नहीं लगती और ये सेफ रहता है। तो चलिए हम रिमोट कवर कैसे बनाना है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें 9x3 इंच का ऐसा पार्ट्स लेना है। और ये मैंने अपनी टीवी के नाप से लिया है, टीवी के रिमोट के नाप से लिया है। तो इससे मैंने ये ज़्यादा यहाँ पे साइड में रखा है और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा है। अब हमें एक प्लास्टिक लेनी है सिल्वर कलर की, और इसको भी हमें इसी के नाप से हमें लेना है जो 9x3 इंच की लेनी है। 13 इंच का हमें जिप लेना है और उसके लिए हमें एक रनर लेना है, और 9x1 इंच की हमें ऐसी पट्टी लेनी है। सबसे पहले हम ये प्लास्टिक को लेंगे और यहाँ पे जो, तो इसको हम ये कॉर्नर है वहां से राउंड लेंगे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे। फिर इसको फोल्ड करके हम दूसरी साइड भी उसी तरीके से राउंड ले लेंगे यहाँ पे। अब इसमें भी हम उसी तरीके से राउंड शेप लेंगे। अब इसमें हमने दोनों में राउंड शेप ले लिया है। अब हमें ये पट्टी को लेना है और ये जिप को लेना है, और जिप को यहाँ पे हम अटैच करेंगे। और यहाँ पे प्रेस स्टिच दे देंगे। अब हम इसमें रनर डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे मैंने ये सीजर से मार्क किया है, ये 3 इंच पे हमें मार्क करना है, और दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से मार्क करना है। इसको हमें ऐसे फोल्ड करके मार्क कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से ये जो जिप हमने लगाई है वो ये मार्क किया है वहां से हमें स्टिच करना है, और इतना हमें खुला छोड़ना है, और पूरा राउंड में यहाँ तक हमें स्टिच करनी है, और बाद में इसको अटैच करना है ये दोनों पार्ट्स को यहाँ पे। देखिए हमने पूरे राउंड में स्टिच कर लिया है। अब हमें प्लास्टिक को लेना है और इसके ऊपर हमें पूरे राउंड में ऐसे रख के स्टिच करना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे पूरे राउंड में स्टिच कर दी, पीछे भी कर दिया। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और सारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।